हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर गया है। तो ये रीडिंग आप अपने एक्स के लिए देख सकते हैं ऑफ कोर्स। एंड चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहा है या मूव ऑन कर चुका है। मैसेजेस फॉर लियोस। द वाइट हार्ट, चाइल्ड ऑफ ओशंस, द लवर्स, टेन ऑफ चैलेंजेस, द वाइज वुमन। तो हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स के कार्ड के साथ ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन पूरी तरह से श्योर है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत रियल है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आपके जैसा उन्हें कोई और नहीं मिलने वाला, या आपके टच में आपके जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, उनके लिए वैसी कोई और चीज़ नहीं हो सकती दुनिया में। इस पर्सन को पता है कि ये सारी चीज़ एक मैजिक की तरह काम करती हैं उन पर। इनफैक्ट टेन ऑफ चैलेंजेस के साथ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों वाकई में इस रिलेशनशिप में एक लंबा समय बिता चुके हैं और बहुत कोशिशें भी की है आपने। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों ही बहुत हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। शायद आप हालातों से मजबूर महसूस करते हैं। आपको लगेगा कि इस पॉइंट पे शायद अब इस रिलेशनशिप का कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसीलिए शायद आप में से ज़्यादातर लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता कि हर एक के सिचुएशन में क्या रीज़न होगा ब्रेकअप का, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। बट चाहे जो भी हो, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का जो लव है वो आप दोनों को ही पता है कि रियल है और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। टेन ऑफ चैलेंजेस के साथ भले ही कितना भी वक्त बीता हो, कितनी भी चीज़ें हो रही हो आप दोनों के लाइफ में, कितने भी चैलेंजेस हो, आई डोंट थिंक ये पर्सन मूव ऑन करने को तैयार है। अब अगर ब्रेकअप ये सोच के भी हुआ है कि आप दोनों को मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप दोनों तो साथ में हो नहीं सकते इन ऑब्स्टेकल्स के कारण, उन ऑब्स्टेकल्स के कारण और बाकी जो भी सिचुएशन है उसके कारण, मगर मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कहीं जा रहा है। ओके, भले ही कितना भी डिसअपॉइंटेड है, कितना भी अंधेरा है, कितना भी इनका दिल टूटा है, ये उसी जगह पे बैठे हुए हैं। चाइल्ड ऑफ विजन्स के साथ, हाँ, इनको लगता है कि ये अकेले भी खुश रह सकते हैं। मतलब ये जो आपका लवर है, ये उन लोगों में से नहीं है जो अकेला नहीं रह सकता और बस इसीलिए किसी रिलेशनशिप में आना चाहता है, जो बस अपना मन बहलाना चाहता है या लाइफ में कुछ एक्साइटिंग चाहता है और इसीलिए रिलेशनशिप में आना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि खुशी तभी होगी जब वो किसी से डीपली कनेक्टेड होंगे। सिर्फ फॉर्मेलिटी करना जस्ट बिकॉज यू नो दूसरे लोग चाहते हैं या दूसरे लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो कभी भी उन्हें खुशी नहीं दे सकता। इनफैक्ट चाइल्ड ऑफ विजन्स के साथ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपनी ही कंपनी इंजॉय कर रहा है। अकेला हो सकता है मगर इन्हें कोई जल्दी नहीं है किसी और को अपने जीवन में लाने की या आपको रिप्लेस करने की। इनफैक्ट फिलहाल तो मैं कोई भी ऐसा आइडिया नहीं देख रही इनके दिमाग में। ये पर्सन अभी भी वहीं बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है अपने हीलिंग के लिए वक्त ले रहे हैं। ओके, द वाइट हार्ट के साथ इस पर्सन को आपकी ब्यूटी याद है, आपकी आवाज़ और बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को वो चीज़ें याद आती है। इस पर्सन को आप हर तरीके से अट्रैक्ट करते थे, आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी। चाइल्ड ऑफ विजन्स के साथ आपकी जो प्लेफुल पर्सनैलिटी थी वो भी इस पर्सन को बहुत याद आती है और ये पर्सन जानता है कि अब उन्हें दोबारा शायद कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। खैर, ये पर्सन बिल्कुल भी ये सोच के नहीं चल रहा कि इन्हें जल्दी से जल्दी मूव ऑन कर जाना चाहिए या किसी रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, क्योंकि द वाइज वुमन के साथ आप जिससे डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, स्मार्ट है,
ऐसा नहीं है कि डेस्परेट है किसी के अटेंशन के लिए या कुछ भी कर जाएंगे, जिस भी किसी उन्हें किसी का प्यार और अटेंशन चाहिए। ये पर्सन समझदार है। पहली बात तो इन्हें पता है कि प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी भी उन्हें मिल जाएगा और किसी से भी उन्हें हो जाएगा, और वो रियल होगा हमेशा। तो इस पर्सन को पता है कि ये एक रेयर कनेक्शन है जो आपके और उनके बीच है। एंड मैं तो इस पर्सन को फिलहाल उसी पॉइंट पे देख रही हूँ। अभी मुझे इनके कोई ऐसे आइडियाज़ नहीं लग रहे हैं जहाँ पे ये मूव ऑन करना चाहें या सोच रहे हों आपको रिप्लेस करने की। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो इसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ बोन्स, चाइल्ड ऑफ स्पेल्स, मूनलाइट, Ten of Bones and the Folly. Okay. तो Two of Bones के साथ इस person के लिए अपने life को balance करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस point पे सबसे पहले ये इस बात पे focus करना चाहते हैं कि उन्हें कैसे सारी चीजों को balance करना है, अपने mind, अपने emotions को कैसे कोई फैसला लेना है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो अब उन्हें परेशान कर रहा है। इस पॉइंट पे उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो किधर जाएं। ओके, जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन अभी भी वहीं बैठा हुआ है, सोच रहा है। तो फिलहाल तो ये पर्सन अपनी हीलिंग पे सारा फोकस कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि वो खुद को संभाले, क्योंकि अभी भी इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, कहीं फेड नहीं हुए। चाइल्ड ऑफ स्पेल्स के साथ लगता है ये पर्सन आजकल छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करके या अपनी पुरानी हॉबीज़ को ये दोबारा जी रहे हो सकते हैं। मतलब इनकी कोई ऐसी हॉबीज़ हो सकती है जिसमें इन्होंने लंबे समय से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर अभी इन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे मूनलाइट का कार्ड है, तो मूनलाइट के कार्ड के साथ ये पर्सन अभी भी अपने ड्रीम्स को कह सकते हैं छोड़ना नहीं चाहता। ओके, मून भले ही फिलहाल उनके लाइफ में नहीं है, मून से मेरा मतलब है आप, मगर मून लाइट अभी भी उन्हें नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। काफी कुछ इनके मन के अंदर दबा हुआ है। आई थिंक ये एनर्जी जो है वो इतनी स्ट्रांग और इंटेंस हो सकती है इस मंथ में कि आप भी इस पर्सन को ड्रीम्स में देखें। अटेंशन आपका देना ज़रूरी है कि उस ड्रीम में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे, और मून लाइट के साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मून हमेशा इमोशंस का सिंबल होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दबाते हैं तब आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है, और जब आप रियल लाइफ में अपने इश्यूज से डील नहीं करते तो वो ड्रीम्स में आने लगती हैं। और एग्जैक्टली वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। टेन ऑफ बोन्स के साथ ये पर्सन आजकल खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है, वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हैं, एंड गैदरिंग्स में जाना, सोशलाइजिंग करना आजकल इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि वही सारी चीज़ें इन्हें थोड़ी हिम्मत दे सकती है, थोड़ी पॉजिटिविटी दे सकती है। द फोली के साथ मन के अंदर बहुत कुछ है जो आज़ाद होना चाहता है, बहुत सारी फीलिंग्स आपके लिए, बहुत सारा लव। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए भले ही ये पर्सन चुप है, मगर ज़्यादा दिन तक ये शांति रहेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर इस वक्त, इनके सबकॉन्शियस का, इनके कंसाइंस का कुछ कहने का या कुछ करने का। तो जल्दी ही आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी। ओके, इनकी फीलिंग्स और जो भी इनकी इच्छाएं हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। डू नॉट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो टैरो आपसे कह रहा है कि
ना तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है ना इस पर्सन को। इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद का समय खुद के लिए रखें, जैसा कि ये पर्सन खुद को संभालने और खुद को हील करने में इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है। आपको भी वही करना है, अपनी एनर्जीज को यूज़ करना है खुद को हील करने के लिए, इस एनर्जी और टाइम को। एंड कोई ज़रूरत नहीं है आपको खुद को किसी सिचुएशन के हिसाब से ढालने की, क्योंकि जो आपका है वैसे भी वो आप तक आ ही जाएगा। खुद को ना बदलें, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ओके, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं किसी भी सिचुएशन में। तो ये है रीडिंग इस मंथ की इस बारे में कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर गया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।